डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वर्क डन की बात की थी। वर्क डन कितना रिक्वायरमेंट होता है कंप्रेसर को चलाने के लिए। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर। पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द कंप्रेसर, कंप्रेसर को चलाने के लिए पावर कितनी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत पड़ती है। तो अपने को यहाँ पे कंप्रेसर को चलाना है तो वर्क डन पता है, वर्क डन हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है स्पीड इनटू वर्क डन ऑफ द टाइप ऑफ प्रोसेस डिवाइड बाय 60। इसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है ताकि हम पावर निकाल सकें। तो वर्क डन आपका जूल में रहता है, जिसे कि न्यूटन मीटर बोलते हैं। और सेकंड, चूंकि स्पीड आपकी जो रहती है, यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्क डन जो है ये न्यूटन मीटर में है, जिसे कि जूल बोलते हैं। और एन जो है स्पीड ऑफ कंप्रेसर होती है इन आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। 60 से डिवाइड करते हैं क्योंकि सेकंड बनाना रहता है, इसलिए यहाँ पे पावर का जो फार्मूला रहता है एन इंटू डब्ल्यू बाई 60, ये वाट में रहता है, पावर वाट में निकलती है। और स्पीड आपकी यहाँ पे आरपीएम में दी हुई है। तो एन बराबर एन होता है यदि वो सिंगल एक्टिंग है, यदि सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर है, यानी एयर का कंप्रेशन जो हो रहा है वो सिंगल साइड पे हो रहा है, तो n इज इक्वल टू n लिखते हैं फॉर द सिंगल एक्टिंग, और 2n लिखते हैं फॉर डबल एक्टिंग। डबल एक्टिंग के लिए 2n यूज किया जाता है। तो अब हमें बात करनी है कि वर्क डन किस प्रोसेस में हो रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा था वर्क डन जो है तीन प्रोसेस में कर रहे थे। एक आइसोथर्मल में कर रहे थे जिसमें कि सबसे कम वर्क डन की रिक्वायरमेंट थी, फिर आइसेंट्रोपिक में कर रहे थे जिसमें सबसे ज्यादा वर्क डन की रिक्वायरमेंट थी, और तीसरी प्रोसेस जो थी पॉलीट्रॉपिक की, जिसमें इन बिटवीन ऑफ जो आइसेंट्रॉपिक और आइसोथर्मल की प्रोसेस थी उनके बीच की थी। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि पावर की रिक्वायरमेंट हर प्रोसेस में कितनी है। तो पावर की जो रिक्वायरमेंट रहेगी हर प्रोसेस के लिए अलग अलग रहेगी। तो पहली प्रोसेस है पावर जो रिक्वायरमेंट है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, तो स्पीड जो कि कंप्रेसर की है जो सभी में एक जैसी रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, प्रोसेस चेंज हो सकती है लेकिन स्पीड जो रहेगी वो एक जैसी रहेगी। जो वर्क डन है आइसोथर्मल का, यदि आइसोथर्मल के लिए पावर निकालना है तो वर्क डन भी आइसोथर्मल होना चाहिए, डिवाइड बाय 60 वाट में। यदि और बड़ी यूनिट चाहिए पावर की तो किलो वाट भी ले सकते हैं, और बड़ी यूनिट चाहिए तो मेगा वाट भी ले सकते हैं। किलोवाट करने के लिए 10^3 से डिवाइड करना पड़ता है, मेगावाट लेने के लिए 10^6 से डिवाइड करना पड़ता है। ये आइसोथर्मल पावर के लिए था। इसी तरीके से हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए भी कर सकते हैं, तो उसके लिए अपने को पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कितना वर्क डन किया गया ये पता होना चाहिए। ये हम कर चुके हैं, डिवाइड बाय 60 वाट बनाने के लिए, तो ये आपका हो गया। तीसरी प्रोसेस है आइसेंट्रोपिक की, जिसमें कि सबसे ज्यादा वर्क डन की रिक्वायरमेंट होती है, तो n इंटू वर्क ऑफ द आइसेंट्रोपिक, जिसको कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट किया भी है। तो ये तीसरी प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, आइसेंट्रोपिक। आइसोथर्मल केस में सबसे कम पावर की रिक्वायरमेंट होती है, आइसेंट्रोपिक केस में सबसे ज्यादा पावर की रिक्वायरमेंट होती है, और पॉलीट्रॉपिक आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक के बीच की प्रोसेस होती है, जिसमें कि मिनिमम यानी कि बीच की पावर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आज हमने पावर रिक्वायरमेंट टू ड्राइव द कंप्रेसर पढ़ा।